हेलो भाई अंकित, कल मैंने आप सभी को मारुति सुजुकी एरिना की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में बताया था। उस वीडियो पे आप सभी ने भर भर के प्यार दिया, मजा आ गया देख के। आज वाले वीडियो में अपन मारुति सुजुकी नेक्सा की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे। एरिना सेगमेंट में तो ये लोग अच्छा खासा गाड़ियों को बेचते हैं, लेकिन नेक्सा में आपको सात ही मॉडल मिलता है। सातों कंबाइंड टोटल 50,058 यूनिट बिकी है फरवरी में, जबकि जनवरी में आंकड़ा 54,694 यूनिट का था। मतलब भाई 4,636 गाड़ियाँ कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने 4,636 गाड़ियाँ। तो आप इसी से समझ सकते हो भाई मारुति सुजुकी नेक्सा का क्या हाल हुआ होगा फरवरी में। लेकिन हाँ, एक बात बोलना चाहूंगा, जिम्नी ने तो कमाल ही कर दिया। मेरे को लग रहा था भाई वो फ्लॉप हो जाएगी पूरा गंदे तरीके से, लेकिन उसने भाई पूरे 159 यूनिट का इम्प्रूवमेंट करा है जनवरी के मुकाबले फरवरी के महीने में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो 8th नंबर पे आई है मारुति सुजुकी जिम्नी ऑफ रोडर कार। इसकी भाई 322 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में फरवरी के महीने में, जबकि जनवरी में आंकड़ा 163 यूनिट का था। मतलब भाई 159 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जिम्नी की। ये आपको 14,96,000 रुपए से शुरू होकर लगभग 17,98,000 रुपए तक मिलती है। भाई ये इतनी महंगी है ना, मतलब इसका शकल देख के कैसे लोग भाग इतना पैसे खर्च कर देते हैं, मेरे समझ से तो बाहर है। इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी वगैरह तो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है भाई, रही बट ट्रांसमिशन की तो मैनुअल ऑटोमेटिक मिल जाता है। ये थोड़ी सी बड़ी कार रहती ना तो अच्छा भी लगता देखने में, लेकिन यार ये बहुत ही छोटी छोटी सी लगती है भाई। मैंने रियल लाइफ में रोड पे देखा था, मतलब बिच्छू सी लगती है यार, जैसे खिलौना जा रहा है वैसा लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर पे आई है इनविक्टो। ये हाईक्रॉस का ही कॉपी वर्जन है भाई, आप सभी अच्छे जानते हैं। इसकी 365 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में फरवरी के महीने में, जबकि जनवरी में आंकड़ा 496 यूनिट का था। मतलब 131 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने इनविक्टो की। ये गाड़ी मारुति सुजुकी की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव कार है। इसका प्राइस भाई 29,64,000 रुपए से शुरू होकर लगभग 33,92,000 रुपए तक चला जाता है ऑन रोड। ये एक हाइब्रिड कार है भाई, इसमें आपको इलेक्ट्रिक प्लस पेट्रोल मिलता है और ओनली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, मैनुअल इसमें देखने को नहीं मिलता। बाकी बात करें अगली गाड़ी की तो 6th नंबर पे आइए सियाज प्रीमियम सेडान कार। इसकी भाई 481 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में फरवरी के महीने में, जबकि जनवरी में आंकड़ा 363 यूनिट का था। मतलब भाई 118 गाड़ियां ज्यादा बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने सियाज की। ये आपको 11,01,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 14,63,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें आपको पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक मिलता है, सीएनजी नहीं मिलता। ये गाड़ी देखने में काफी मस्त लगती है भाई, लेकिन समय पे अपडेट ना मिलने पे इसको बहुत ही गंदा असर पड़ा है। मारुति वाले अभी भी अपडेट कर देते हैं ना इसको तो लोग बाग अच्छा खासा खरीदते हैं। खैर बाकी 5th नंबर पे आइए इग्निस। ये गाड़ी मेरे को काफी तगड़ी लगती है भाई देखने में, कसम से बता रहा हूँ। छोटी है लेकिन एसयूवी वाला फील देती है देखने पे। इसकी भाई 2110 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में फरवरी के महीने में, जबकि जनवरी में आंकड़ा 2598 यूनिट का था। मतलब 488 गाड़ियां कम बिकी है इग्निस की। ये कार आपको 6,84,000 रुपए से शुरू होकर लगभग 9,69,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक मिलता है, सीएनजी देखने को नहीं मिलता। अब पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत भाई नहीं समझ रहे होंगे। पेट्रोल इंजन मिल जाता है, ट्रांसमिशन आपको मैनुअल ऑटोमेटिक मिल जाता है। खैर 4th नंबर पे आइए अर्टिगा का ही छोटा भाई XL6। इसकी भाई फरवरी में 4,093 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि जनवरी में आंकड़ा 4,363 यूनिट का था। मतलब भाई 270 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने XL6 की। इस गाड़ी का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं है इंडियन मार्केट में। देखो जिनको लेना रहता है वो अर्टिगा ही ले लेते हैं भाई, जिनको थोड़ा सा लुक डिफरेंट चाहिए ना, अर्टिगा का मान लो लुक आपको पसंद नहीं है तो XL6 की तरफ जा सकते हो आप। बस इसी कारण की वजह से ये गाड़ी बिकती है, नहीं तो इसको कोई पूछता तक नहीं है। ये अपने को 13,66,000 रुपए से शुरू होकर लगभग 17,31,000 रुपए तक मिल जाती है ऑन रोड। इसमें आपको पेट्रोल सीएनजी मैनुअल ऑटोमेटिक सब चीज देखने को मिल जाता है, बिल्कुल ही अर्टिगा की तरह। ये अर्टिगा ही है भाई, एक तरह से थोड़ा सा प्रीमियम आप इसको मान सकते हो अर्टिगा से। बाकी 3rd नंबर पे ग्रैंड विटारा। ये क्रेटा वाले सेगमेंट की कार है। इसकी 11,002 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में, जबकि जनवरी में आंकड़ा 13,438 यूनिट का था। मतलब 2436 गाड़ियां कम बिकी पिछले महीने के मुकाबले इस महीने ग्रैंड विटारा की। इसका भी हाल बेहाल रहा फरवरी में। ये कार अपने को 12,72,000 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। इसमें आपको पेट्रोल मैनुअल ऑटोमेटिक इसके अलावा हाइब्रिड सब चीज देखने को मिल जाता है। अगर आप इस कार का टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहां पे आपको 25-26 का भी माइलेज मिल सकता है। और हाँ, इसके बेस वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाता है। तो ये इकलौती ऐसी कार है जो बेस वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री ऑफर करती है। खैर आगे बढ़ते हैं। 2nd नंबर पे आइए फ्रॉन्क्स। इसकी भाई 14,168 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में फरवरी में, जबकि जनवरी में आंकड़ा 13,643 यूनिट का था। मतलब भाई 525 गाड़ियां ज्यादा बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने फ्रॉन्क्स की। इस गाड़ी का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है यार इंडियन मार्केट में, काफी अच्छा। जब से ये लॉन्च हुई ना, दबा के बिके जा रही है तो बिके जा रही है। ये अपने को 8,82,000 रुपए से शुरू होकर मोटा मोटी 15,23,000 रुपए तक मिल जाती है।
इसके इंजन वगैरह की बात करती हूँ तो इसमें आपको पेट्रोल इंजन मिलता है, सीएनजी के साथ भी मिल जाती है किसी किसी वेरिएंट में, रही बात ट्रांसमिशन की तो मैनुअल ऑटोमेटिक तो मिलता ही मिलता है भाई। ये कार आज के डेट में वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। बात करें अगली गाड़ी की तो नंबर वन पे आई हमेशा की तरह इनकी बलेनो। इसकी भाई 17,517 यूनिट बिकी ऑल ओवर इंडिया में फरवरी में, जबकि जनवरी में आंकड़ा 19,630 यूनिट का था। मतलब भाई 2113 गाड़ियां कम बिकी है पिछले महीने के मुकाबले इस महीने बलेनो की। ये आपको 7,77,000 रुपए से शुरू होकर लगभग 11,56,000 रुपए तक मिल जाती है। इसमें भी आपको पेट्रोल, सीएनजी, मैनुअल, ऑटोमेटिक सब चीज देखने को मिल जाता है। जो लोग बलेनो ले रहे हैं ना भाई, उनसे मैं कहना चाहूंगा आप एक बार फ्रॉन्क्स का टेस्ट राइड लो, आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि फ्रॉन्क्स थोड़ी सी ऊंची ऊंची फील होगी आपको बलेनो से। तो यही कहानी रहा भाई मारुति नेक्सा की सारी गाड़ियों का फरवरी महीने में। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। जिम्नी के बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई दिल से, जय हिंद सभी को।